Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing. Welcome to Sharda's World. Sharda ki duniya mein aapka swagat hai. Good morning, friends. कैसे हो आप सब? ये ब्लॉग है फ्राइडे का और मैं बनाने लगी हूँ सुबह का नाश्ता। तकरीबन 9 o'clock हो रहे हैं और मोस्टली मैं ब्लॉग की शुरुआत नाश्ते से ही करती हूँ। तो आज बन रहा है एक हेल्दी वाला नाश्ता, पाव साथ में हरे चने की भाजी। हरे चने का सीजन है तो एक बार आप सब इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना। तो ये देखिए, मैंने एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का पेस्ट बना लिया है और अब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। कुकर में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है और इसमें मैं एक टीस्पून जीरा, एक छोटा स्टिक दालचीनी का, एक छोटा सा जावित्री, तीन हरी इलायची और 4 से 5 लौंग, 2 तेज पत्ता ऐड कर दिया है। तड़का जब क्रैकल हो गया फिर इसमें ये पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद में कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी, वही जो रूटीन के होते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड किए हैं। वैसे मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है जो ज़्यादा तीखा नहीं होता है, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। मेरे पास धनिया जीरा पाउडर मिक्स है इसलिए मैंने एक साथ ऐड किया है। अगर आपके पास अलग अलग हो तो 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करें। और इस भाजी में ये मसाला मस्ट ऐड करें, इसके साथ ये भाजी बहुत ही औसम बनता है। मैगी मसाला मैजिक मैंने 2 पाउच ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पर 1/2 kg छोलिया चना लिया है। मैगी मसाला मैजिक ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे कर लेना है, जब तक मसाले का कच्चापन हट नहीं जाता। अच्छी तरह से मसाले को भूनने के बाद फिर मैं इसमें छोलिया चना ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, छोलिया चना मैंने ऐड कर दिया है। छोलिया चना ऐड करने के बाद 1 मिनट तक मसाले के साथ छोलिया चना को भून लेना है। छोलिया चना की सब्जी आप सब बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से बना के देखना और पाव या ब्रेड के साथ इसको ब्रेकफास्ट में खा के देखना, बहुत ही औसम लगता है। तो बस 1 मिनट तक सौटे करने के बाद थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 कप मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक रहेगी। ये ड्राई सब्जी की रेसिपी है तो बस पैन से लगे नहीं, इसीलिए मैंने 1/2 कप पानी ऐड कर दिया। 3 हुसिल आने तक सब्जी को पका लेना है। 1 हुसिल आने के बाद गैस के फ्लेम को स्लो कर देना है और जब 2 हुसिल और आ जाएगा तो गैस को स्विच ऑफ कर देना है। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर सब्जी को अपने ही भाफ में पकने देना है और जब तक सब्जी पक रहा है इधर मैं पाव को सेक लेती हूँ। ये सब्जी पाव और ब्रेड के साथ बहुत ही मजे की लगती है। ऐसा नहीं है इस सब्जी को आप सिर्फ पाव और ब्रेड के साथ ही खा सकते हैं, चावल के साथ, पराठा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद मैंने सब्जी का प्रेशर अपने आप निकलने के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए, सब्जी बिल्कुल डन है। तो लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स में ऐड कर दूंगी और चना को थोड़ा सा इस तरह से स्पून से मैश भी कर देना है तो सब्जी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये है आज की हम लोगों की ब्रेकफास्ट की थाली, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच की थाली। आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। इस रेसिपी को फ्रेंड्स ट्राई जरूर करना, सिंपल सी रेसिपी है। छोलिया चना अभी सीजन में है और सब्जी तो आप सब जरूर बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से बना के देखना और इस कॉम्बो के साथ, पाव के साथ ये बहुत ऑसम लगती है। अच्छी नहीं दी आप लोगों ने, जब देती हूँ तो खाती नहीं हो और अभी नहीं दिया आज मिर्ची तो बस... मुझे मन था मिर्ची खाने का, मिर्ची बहुत तीखी है, बहुत तीखी है, खा पाओगी? मैं और सामू भी तो बहुत मिर्ची खाते हैं। हाँ, मैं और मामा तो फुल ऑन मिर्ची खाते हैं, मिर्ची बिना हमारे खाना कभी नहीं। जी और सासूती नहीं खा पाते हैं, बहुत कम। इस बार मैं मामा की बेटी हूँ, मैं मिर्ची बहुत ज्यादा खा सकती हूँ, सब्जी भी और सब्जी भी मैं और सांभर भी ज्यादा खाते हैं। और पाव भाजी खाने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही थी तो ये देखिए, हम लोग देसी वाला डेजर्ट लेंगे। कितनी बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, पोहा दूध। बच्चों में थोड़ा थोड़ा जैगरी पाउडर भी है।
ये खाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी मजेदार सा यम्मी सा सिलोन टी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और एक अच्छा सा वक्त स्पेंड कर रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4 o'clock। सुबह सुबह ब्रंच में हम लोगों ने जो पाव और हरे चने की भाजी खाई थी, उसके बाद से कुछ नहीं लिया था। सासुती का क्लास है, अभी ट्यूशन है तो भूख लग रही है, तो पहले सासुती के लिए और सामूवी के लिए जूस निकालूंगी, कैरोट और कीनू का। कीनू और कैरोट का जूस मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, तो ज्यादातर मैं बनाती हूँ। और आजकल सुबह थोड़ा सा हैवी हो जाता है नाश्ता, तो शाम को इसी टाइम लेते हैं बच्चे। बच्चों को जूस दे दिया और मैं और दिनेश जी एप्पल लेंगे, फिर चाय लेके वॉक पे जाएंगे। और जी वॉक हमारा हो गया है और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस घर। तो रास्ते में ये देखिए कितना फ्रेश फ्रूट का ठेला लगा हुआ है। सांभवी और सासुती को कीनू बहुत पसंद है, तो मैं कीनू लूंगी। और पपीता भी यहाँ बहुत अच्छा है, तो मैंने पपीता भी लिए। मोस्टली जब भी मैं वॉक पे आती हूँ तो वापस जाते टाइम सब्जी या फ्रूट्स लेते हुए जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम हमारे पार्क के सामने बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और सब्जी लगे होते हैं। ठीक है, ठीक। आपने एक किलो का मांगा तो एक किलो के हिसाब से हाथ लगाऊंगा ना मैं। हाँ, क्योंकि फिर वो काट के ना खराब हो जाता है। जितना खाओ रो जाऊंगा मैडम जी, अगर ठीक आप खाओगे तो मैं रो जाऊंगा। लेकिन महंगा दे रहे हो ना। नहीं नहीं, जरा ऐसा नहीं। तो दिया बाती मैंने कर लिया है, तकरीबन 6 o'clock हो रहे हैं। आजकल तो 5:30 तक अंधेरा हो जाता है और रोज बारिश हो रही है, धूप निकलता नहीं है, तो 5:30 तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सारे घर में मैं एरोमा डिफ्यूजर पहले लगा देती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करूँगी। और आज तो पूरा डिनर बनेगा, क्योंकि दिन में हमने ब्रेड खाए थे, छोला मैंने भिगो दिया है, मैं छोला बनाऊँगी आज। I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. देखिए छोला को मैंने भिगो दिया था और आज जो मैं छोला बना रही हूँ वो बहुत सारी सब्जी के साथ बनाऊंगी। छोले कई तरीके से बनता है, मैं भी बनाती हूँ और बहुत सारी रेसिपी मैंने आप सबसे शेयर भी की है, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी वाली रेसिपी है। बस 1 teaspoon घी में ये बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाती है, टेस्टी भी बहुत होता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो छोला में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर और बैंगन ऐड कर दिया है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और बस। और कुछ नहीं करना है, इसको 4 से 5 हुसिल आने तक उबाल लेना है। छोला को ओवर कुक नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर पकाना है छोला अच्छी तरह से पक जाए। फ्रेंड्स, एक बार आप सब इस तरीके से बना के छोला जरूर देखना, ऑसम बनता है। तो बस सारी चीजें मैंने ऐड कर दिया है और अब इसको 5 हुसिल आने तक मैं पका लूंगी। आज मैं छोला के साथ सरसों साग का सूखा भुजिया बनाऊंगी और साथ में पराठा, थोड़ा सा राइस भी बच्चे खाएंगे, मैं और दिनेश जी से पराठा खाएंगे। तो छोला उबलने के लिए चढ़ा दिया है मैंने, और इधर मैंने पैन में सरसों का तेल ऐड कर दिया है और मेथी, सूखी लाल मिर्च का तड़का ऐड कर देना है। तड़का जब क्रैकल हो गया तो ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया, 1 प्याज बड़ा सा मैंने ऐड किया है और थोड़ी देर इसको सौटे कर लेना है। जब प्याज थोड़ा सा भुन जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, 1 बड़ा सा टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर नमक और हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और हल्दी 1 teaspoon। मैंने यहाँ पर 1/2 kg साग लिए हैं सरसों के। हल्दी ऐड करने के बाद 1/2 मिनट तक फिर से सौटे कर लेना है और फिर इसमें मैं साग ऐड कर दूंगी
और साग ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है, फिर कुछ भी नहीं करना। इसको ढक के साग के अच्छी तरह से भून जाने तक पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक साग पक नहीं जाता। बीच बीच में चेक जरूर करते रहना है ताकि साग जले नहीं। तो बस अब मैं साग को ढक के पकने के लिए रख दूंगी। और ये देखिए छोला अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। इसके अंदर के बैगन, टमाटर, प्याज सबको अच्छी तरह से मैश कर देना है। छोला को मैश नहीं करना है, छोला दिखना चाहिए। लेकिन जो जो सब्जी मैंने ऐड किए थे, बैगन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सबको मैश कर देना है। और फिर मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। तो ये देखिए मैंने दो बड़े साइज के आलू ऐड कर दिए हैं। डिपेंड करता है आप आलू कितना पसंद करते हैं, आप आलू कम ज्यादा रख सकते हैं। आलू को छील के मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए थे, ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद आलू के पूरी तरह से पकने तक स्लो फ्लेम पे छोला को पका लेना है। बीच बीच में चेक करते रहना है। इससे आलू भी पक जाएगा और छोला भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो ये देखिए मैं ढक के अब इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और गरम मसाला ऐड कर देना है। छोला बिल्कुल डन है और सामवी ने पराठा भी बना लिया है। साग भी बिल्कुल डन है। अब सामवी सैलेड कट करेगी। तो फ्रेंड्स, सामवी सैलेड कट करेगी और फिर हम लोग डिनर करेंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सब बाखैर, टेक केयर।